नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बीएससी पार्ट वन होम साइंस के बच्चों के लिए फैब्रिक कंस्ट्रक्शन विषय पर, जो कि उनके यूनिट सेकंड से टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के पेपर से रिलेटेड है, उसके बारे में बताऊंगी। साथ ही यह विषय जो है ये बीए सेकंड ईयर होम साइंस के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। ये उनके सिलेबस के जो उनका पेपर है पीए पार्ट टू का, होम साइंस का पेपर वन, उसमें से एक विषय है यूनिट वन में से वीव्स या बुनाइयां, उससे संबंधित है। और ये लेक्चर दोनों ही क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक का नाम देख रहे हैं, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन मतलब वस्त्र का निर्माण। अभी तक के पिछले जितने भी हमने वीडियो लेक्चर्स देखे या सुने, उसमें फाइबर के बारे में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के तंतुओं कौन कौन से होते हैं तंतु। उसके बाद हमने देखा कि तंतुओं से धागा कैसे बनाया गया, ठीक है, यार्न कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, स्पिनिंग कैसे की गई, उसकी फिर उससे धागा बना। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उस धागे से, उस यार्न से कपड़ा किस तरह से, वस्त्र जो है वो किस तरह से बनाया जाता है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उसके बारे में इस लेक्चर से हम जानकारी लेंगे। इस स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन को दिखाया गया है ना। इसमें ये बताया गया है कि फाइबर्स आर द बेसिस फॉर ऑल टेक्सटाइल, यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, हाउ ईच फाइबर इज यूज्ड एंड विच फाइबर्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, फाइबर जो है वो टेक्सटाइल के लिए एक आधार का काम करता है, और इसका हमें, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि नेचुरल फाइबर्स में और सिंथेटिक फाइबर्स में क्या डिफरेंस है और इनका उपयोग हम किस तरह से करेंगे। तो इसमें आपने देख रहे हैं, इस चित्र में दिखाया गया है, फाइबर जो है उससे स्पिनिंग की जा रही है कटाई करके, उसमें एक एरो दिखाया गया है जिससे कि यार्न बन गया। ठीक है, यार्न से फिर वीविंग की उसकी और नीटिंग की हमने, उससे फैब्रिक बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की पूरी होती है। उसमें जो नेचुरल फाइबर्स यूज होते हैं, उसमें वूल, सिल्क हो गए, और प्लांट से जो हमको फाइबर मिलते हैं, कॉटन, लिनन, जूट, हेम्प, इस टाइप के। सिंथेटिक फाइबर्स में मेनली जो हम यूज करते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रॉन, एक्रेलिक वगैरह होते हैं। और जो रीजेनरेटेड फाइबर्स होते हैं या जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से रेयॉन जो होता है वो होता है। तो इस स्लाइड में जो डायग्राम आपको चित्र दिखाया गया है, उसे देखकर भी हम काफी कुछ समझ सकते हैं कि फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन जो होता है, उसके लिए फाइबर से स्पिनिंग करके यार्न तैयार किया जाता है, और फिर यार्न से वीविंग और नीटिंग करके फैब्रिक में उसे कन्वर्ट किया जाता है। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे वीविंग है तो वीविंग के बहुत से प्रकार होते हैं, प्लेन वीव है, ट्विल वीव है, सैटिन है, साटिन है, तो इस टाइप के वीव के प्रकार हो गए बुनाई के। उसके अलावा फेल्टेड फैब्रिक्स होते हैं और नीटेड फैब्रिक्स भी होते हैं। तो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की ये मेथड्स हम आगे चलकर इसी लेक्चर में आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। वस्त्र शब्द का उपयोग उन समस्त वस्त्रों के लिए किया जाता है जो रेशों की बुनाई कर, रेशों को जमा कर, रेशों को आपस में गूंथ कर, ब्रेडिंग या फिर लेसिंग की विधि से तैयार किए जाते हैं। ये समस्त वस्त्र निर्माण की विधियां होती है। ये सारी जो आपने ऊपर देखी, फेल्टिंग हो गई, वीविंग हो गई, है ना, इंटरलेसिंग हो गई, ब्रेडिंग हो गई, ये सारी जो है वो वस्त्र निर्माण की विधियां हैं। कताई की विधियों से तैयार धागा ही वस्त्र निर्माण का मुख्य आधार होता है। ठीक है, धागे से ही हम वस्त्र को बनाते हैं। वस्त्र निर्माण की इन विधियों में किस विधि का उद्भव या किस विधि का विकास पहले हुआ, इसका निश्चित रूप से कोई ज्ञान नहीं है, परंतु ऐसा माना जाता है कि आदि मानव ने चिड़ियों को, तिनकों को आपस में गूंथ कर घोंसला बनाते देखकर वस्त्र निर्माण करना सीखा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है।
सर्वप्रथम वस्त्र निर्माण कैसे और किस विधि से हुआ इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा कहा गया है कि बुनाई कला को रेशों के निर्माण की कला से पहले जाना गया है, मतलब यार्न कंस्ट्रक्शन से पहले वीविंग जो थी, बुनाई की कला जो थी वो आ गई थी, ऐसा माना जाता है। आर्यों के प्राचीन भारतीय ग्रंथ अथर्ववेद में कहीं कहीं पर रेशों और वस्त्रों का वर्णन मिलता है। इन सब बातों से यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि आधुनिक युग की यह वस्त्र निर्माण कला वास्तव में आधुनिक नहीं है, ये प्राचीन मानव की देन है। ठीक है, इस स्लाइड में देखिए आप नीचे की तरफ कुछ चित्र दिखाए गए हैं, वोवन, नॉन वोवन, नीट और ब्रेड, ये जो दिखाए गए हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की ये विधियां हैं, बुनाई के द्वारा, फेल्टिंग के द्वारा, नीटिंग के द्वारा और ब्रेडिंग के द्वारा हम किस तरह से वस्त्र का निर्माण करते हैं। वस्त्र निर्माण की विधियां, वस्त्र निर्माण की मुख्य रूप से चार विधि होती है, वीविंग, बुनाई, नीटिंग, फेल्टिंग और ब्रेडिंग व लेसिंग। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की मेथड देखिए इसमें भी दिखाई गई, वीविंग, वीविंग में इस स्लाइड में बताया गया प्लेन वीव होती है, ट्विल होती है, सैटिन होती है, नीटिंग जो होती है जिसको हम रुई के जो आते हैं, सॉरी ऊन के जो आते हैं गोले, उनसे सलाइयों से आपने देखा होगा घर में आपकी मम्मियां बनाती होंगी, तो नीटिंग जो होती है वो कला घर पर भी की जाती है, वेफ्ट नीटिंग, वार्प नीटिंग दो प्रकार की होती है और मशीन से भी नीटिंग की प्रोसेस होती है। नॉन वोवन जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से फेल्टेड फैब्रिक्स आते हैं। अदर जो कंस्ट्रक्शन की विधियां होती है, अन्य जो विधियां होती है इन विधियों के अलावा उसमें लेस बनाना होता है, लेसेस, ब्रेड्स हो गए, बॉन्डेड फैब्रिक्स हो गए, ठीक है, क्विल्टेड फैब्रिक्स हो गए, ये वस्त्र निर्माण की दूसरी विधियों के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे वस्त्र निर्माण की जो पहली चीज जिसमें विधि है वो है बुनाई। वस्त्र तैयार करने की अन्य विधियों की तुलना में बुनाई की विधि का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। सभी प्रकार के बुने हुए जो वस्त्र होते हैं उनमें मुख्य रूप से धागों के दो सेट होते हैं या दो धागों से इन्हें बनाया जाता है। एक धागा लंबवत होता है, लंबाई में होता है, लेंथ वाइज, जिसे हम ताना कहते हैं या वार्प यार्न कहते हैं, और दूसरा धागा जो होता है आड़ा होता है, क्रॉस वाइज होता है, जिसे कि हम बाना या वेफ्ट कहते हैं। ठीक है, वेफ्ट, वार्प और वेफ्ट ये दो थ्रेड होते हैं, धागे होते हैं, जिनसे मिलकर बुनाई की क्रिया संपन्न होती है। बुनाई विधि में ताने व बाने के धागों को आपस में गूंथ कर वस्त्र बनाया जाता है और बुनाई के लिए जिस फ्रेम का उपयोग किया जाता है उसे करघा या लूम कहते हैं। करघे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हाथ करघा, हैंडलूम, और दूसरा होता है बिजली से चलने वाला करघा या पावर लूम। दूसरी जो विधि होती है वस्त्र निर्माण की वो होती है नीटिंग, और नीटिंग जो होती है उसमें भी दो प्रकार की आपने देखी थी, वेफ्ट नीटिंग और वार्प नीटिंग। वेफ्ट नीटिंग में भी जिन तीन बुनाइयों का उपयोग होता है वो है रिब बुनाई पहली, जिससे कि स्वेटर में बॉर्डर आदि बनाया जाता है, ये 1x1, 2x2 के होते हैं, मतलब एक वार्प एक वेफ्ट, दो वार्प दो वेफ्ट। दूसरा जो है इसमें वो है गोलाकार या सपाट बुनाई से, इससे इसके द्वारा मोजे और दास्ताने बनाए जाते हैं। और तीसरी जो वेफ्ट नीटिंग में बुनाई होती है वो होती तहदार बुनाई, इसमें एक साथ दो धागे अलग अलग रंग व प्रकृति के प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरह से वेफ्ट नीटिंग जो है वो तीन तरह से होती है, वार्प नीटिंग जो है वो भी तीन प्रकार से होती है, तीन इसकी वो है मेथड। मिलिनीज, इस बुनाई से होजरी वस्त्र बनते हैं। ट्रिकोट, ये बुनाई है, इससे कृत्रिम रेशे की बुनाई की जाती है। और रेशल, रेशल जो है इस बुनाई से पर्दे, दरिया व काली बनाए जाते हैं। नीटिंग का कार्य घरों में हाथों से सलाई के द्वारा या बड़े उद्योगों में अत्यधिक बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा किया जाता है। इसमें धागे की लाइनें इस प्रकार बनाई जाती हैं कि ये आपस में फंसी हुई दिखती हैं। आधुनिक समय में एक ही व्यक्ति जो होता है एक साथ कई मशीनों में कार्य कर सकता है, क्योंकि ये पावर लूम्स होते हैं, कई जगह तो ये ऑटोमेटिक लूम्स भी होते हैं, जिसमें एक बार आपने सारा फंक्शन फीड कर दिया उसके बाद फिर ये काम करता रहता है। नीटिंग के प्रकार जैसे हमने पिछले उसमें देखे, वेफ्ट नीटिंग और वार्प नीटिंग।
सलाइयों द्वारा हाथ से की गई जो नीटिंग होती है वो वेफ्ट नीटिंग कहलाती है और इसमें धागा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर चलता है। यह बाने के धागे की विशेषता होती है, अतः इसे हम वेफ्ट नीटिंग कहते हैं। वेफ्ट मतलब बाना, ठीक है। तो बाने के धागे की विशेषता होती है इसलिए इसे वेफ्ट नीटिंग कहते हैं। और इससे बने वस्त्र की एक सतह चिकनी होती है और दूसरी सतह जो होती है मोती या पर्ल, पर्ल जो होता है मोती है, उसके समान उसमें उभार वाली उसकी सतह होती है। तो वेफ्ट नीटिंग में बुनाई जो होती है वो दो प्रकार की दिखाई देती है, जैसे हमने अभी देखा पिछले स्लाइड में, सादी बुनाई और पर्ल बुनाई। मोती के समान वो पिछला वाला हिस्सा जो इसका उभरा हुआ दिखाई देता है। तो इन दोनों बुनाइयों को आपने भी सुना होगा घर पे, हम बोलचाल की भाषा में या चालू भाषा में सादी बुनाई को सीधा टाका और पर्ल बुनाई को उल्टा टाका कहते हैं, सीधा और उल्टा, है ना, बुनाई में। और इसी के आधार पर हम फिर अपने स्वेटर को या कार्डिगन को पूरा बुनते हैं। वेफ्ट नीटिंग के प्रकार में रिब बुनाई, गोलाकार या सपाट बुनाई, तहदार बुनाई, ये तीन बुनाई आती है। वार्प नीटिंग क्या होती है? वार्प नीटिंग की विशेषता यह होती है कि यह मशीन से की जाती है। वेफ्ट नीटिंग तो आपने देखा हाथ से की जाती है, है ना। तो वार्प नीटिंग जो होती है इसकी विशेषता होती है कि यह मशीन से की जाती है और इसमें हर फंदे के लिए अलग अलग धागा होता है और ये बुनाई नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जबकि वेफ्ट नीटिंग जो है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाती है। वार्प नीटिंग जो होती है वो सीधे नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ये देखिए, ये स्लाइड में नीटिंग का कुछ चित्र दिखाया, एग्जांपल दिखाया गया है। वोवन जो नीटिंग के फैब्रिक होते हैं उसमें वार्प लेंथवाइज होता है, वेफ्ट जो होता है वो क्रॉसवाइज होता है, आड़ा होता है। वेफ्ट नीटिंग किस तरह से दिखाई दे रही है और वार्प नीटिंग कैसे दिख रही है, इस चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं। वार्प नीटिंग के प्रकार जैसे हमने देखा था मिलिनीज, ट्रिकोट और रेशल, ये तीन प्रकार से वार्प नीटिंग होती है। तीसरी जो विधि है बुनाई की, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की जो तीसरी विधि है वो होती है फेल्टिंग की विधि। फेल्टिंग विधि में जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दो तरह की इसमें विधि उपयोग में लाई जाती है, एक तो पुरातन विधि होती है, प्राचीन काल से जो विधि उपयोग में लाई जाती थी, और दूसरी जो होती है आधुनिक विधि होती है या मॉडर्न मेथड जो होती है, ठीक है ना। तो दोनों मेथड में काम वही होता है। इसमें क्या होता है, तंतुओं को भाप, ताप व दबाव की उपस्थिति में जमाया जाता है, इससे जो वस्त्र बनता है वह फेल्ट कहलाता है और ये क्रिया जो होती है वो फेल्टिंग कहलाती है। यह विधि जो होती है मुख्य रूप से ऊनी तंतुओं के लिए उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि ऊन के रेशों में जो स्केल्स पाए जाते हैं, जो शल्क पाए जाते हैं, इनमें ये गुण होता है कि ये आपस में सट जाते हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाते हैं, जम जाते हैं। तो मुख्य रूप से फेल्टिंग की जो प्रोसेस होती है या फेल्ट फैब्रिक्स जो होते हैं वो ऊन से तैयार होते हैं। प्राचीन विधि जो है पुरातन विधि, उसमें हम ऊन की जो फाइबर्स होते थे उनको एक समान करके उसको अच्छे से किसी चटाई या उसके नीचे भारी चीज के नीचे दबाकर रख देते थे, ताप दाब और नमी के उसमें उपस्थिति में। और आजकल वर्तमान समय में यही कार्य जो होता है मशीन के द्वारा होता है, जिसमें कि आप उनकी जो चादर होती है, शीट होती है, उसको रोलर्स के बीच में से निकालते हैं। तो इस तरह से फेल्टिंग जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा फेल्ट फैब्रिक तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट जो फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की विधि है, चौथी विधि है, वो है ब्रेडिंग व लेसिंग। वस्त्र निर्माण की यह भी एक विधि है। ब्रेडेड वस्त्र जो होते हैं उसकी सतह पर तिरछी धारियां दिखाई देती हैं। ऐसा तब होता है जब तीन या तीन से अधिक धागे लेकर उन्हें एक दूसरे के साथ चोटी के समान गूंथ लेते हैं, ठीक है। जैसे हम अपनी चोटी बनाते हैं, अपने बाल बनाते हैं, ठीक उसी तरह से ब्रेडिंग की जो प्रोसेस होती है वो होती है। इसमें तीन या तीन से अधिक धागे को लेकर एक दूसरे के साथ चोटी के समान गूंथ लिया जाता है। इस विधि से सजावटी, सुंदर व आकर्षक वस्त्र तैयार होते हैं। इस विधि की सहायता से टोपी हो गई, ठीक है, टोपी, कैप्स हो गए, हेड्स हो गए, हैंडबैग्स हो गए, बेल्ट और अन्य सजावटी सामान जो है वो तैयार होते हैं। लेसिंग की जो प्रोसेस होती है, लेसिंग का की जो मेथड होती है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की, उसमें लेस जो होते हैं वो हाथ व मशीन दोनों प्रकार से बनाई जाती है और दोनों के लिए एक ही सिद्धांत काम करता है।
हाँ, से लेस बनाने के लिए आप क्रोशिया, शटल, सलाई का उपयोग करते हैं। लेस हर तरह के धागे से बनाई जाती है और देखने में काफी सुंदर और आकर्षक होती है, और परिधान में या ड्रेस में इसका उपयोग परिधान की सुंदरता को बढ़ाता है, या इसका उपयोग हम परिधान में, परिधान की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए करते हैं। इसमें देखिए नीचे चित्र में कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, जैसे ब्रेडिंग की और लेसिंग की, तो किस तरह से ब्रेडिंग से थ्रेड बनते हैं और लेसिंग से किस तरह से लेस तैयार की गई है। तो इस तरह से हमने चार मुख्य जो विधियां थी, वीविंग, नीटिंग, ठीक है, फेल्टिंग और ब्रेडिंग और लेसिंग, ये चार मेथड हमने देखी फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की। लेकिन मेनली जो मुख्य रूप से जो या अधिकतर बहुतायत में जो विधि जो है उपयोग में लाई जाती है वस्त्र निर्माण के लिए, वो होती है बुनाई। तो आज हम बुनाई के बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बुनाई किस तरह से होती है, कितने प्रकार की होती है। तो बुनाई या वीविंग जो है यह वस्त्र निर्माण की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। ताना और बाना, ठीक है, ताना और बाना मतलब वार्प और वेफ्ट जो है के आपस में पारस्परिक गुथाव या इंटरलेसिंग के द्वारा वस्त्र तैयार होता है। यह क्रिया बुनाई कहलाती है। बुनाई की क्रिया जो होती है वो लूम से की जाती है, करघे से, करघे के द्वारा की जाती है, और करघा जो है वस्त्र की बुनाई में करघे का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राचीन समय के करघे की तुलना में यदि हम वर्तमान के समय के जो लूम्स होते हैं उनको देखें तो इनमें काफी सुधार आ गया है। हैंडलूम्स जो है वो पावर लूम्स में बदल गए हैं, और आजकल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों व मिलों में फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए पावर लूम्स का उपयोग किया जा रहा है। हाथ करघे के आवश्यक भाग, जो लूम्स होते हैं उनके, हैंडलूम्स के एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसको हम देखेंगे। करघे को चाहे आप हाथ से चलाइए या फिर पावर से चलाइए, बिजली से चलाइए, उन सभी के जो बेसिक जो पार्ट्स होते हैं, जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, आधारीय जो भाग होते हैं इससे, वो एक समान ही होते हैं। और ये मुख्य रूप से चार होते हैं, बीम या सिलेंडर जिसे हम कहते हैं, दूसरा है हार्नेस, तीसरा है शटल और चौथा होता है रीड। तो ये चार इसके एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जिनकी सहायता से कोई भी लूम जो होता है वो कार्य करता है। सबसे पहले हम देखते हैं बीम या सिलेंडर। बीम जो है ये दो होते हैं, एक वार्प बीम होता है और दूसरा क्लॉथ बीम होता है, ठीक है। एक वार्प बीम जो होता है वो करघे के पीछे की तरफ होता है, जिसमें ताने का धागा जो होता है, वार्प यान जो होता है, वो समानांतर रेखाओं में लपेटा हुआ होता है और यह गतिमान होता है, गतिमान होता है, घूमता है मतलब, ठीक है। और जब ये घूमता है और ताने के धागे को ढीला छोड़ता है तब भाने का धागा जो होता है, वेफ्ट यान जो होता है, इसमें भरता जाता है, और इस तरह से पूरी लंबाई में वस्त्र की बुनाई जो होती है वो संपन्न होती है। तो वार्प बीम में जब ताने का धागा लपेटा जाता है तो वहां से लेके वो ताने का धागा लूम के सामने की तरफ क्लॉथ बीम होता है उसके साथ लाके, उस जितनी लंबाई का हमको वस्त्र चाहिए उतनी लंबाई का ताने का धागा हम लेते हैं और वार्प बीम पर उसको हम लपेटते हैं, और फिर उस वार्प को लाकर उसके छोर को, एक छोर को हम क्लॉथ बीम पर कसकर बांध देते हैं, जिससे क्या होता है जैसे जैसे वस्त्र बुनता चला जाता है तो वो जो है क्लॉथ बीम पर लपेटता चले जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, दो बीम होते हैं, एक वार्प बीम होता है जो करघे के पीछे की तरफ होता है जिसमें ताने का धागा समानांतर रेखाओं में लपेटा हुआ होता है, यह गतिमान होती है ये जो बीम होती है, और जब यह घूमती है और ताने के धागे को ढीला छोड़ती है तब बाने का धागा इसमें भरता जाता है। जब वस्त्र की संपूर्ण लंबाई का धागा वार्प बीम पर चढ़ा दिया जाता है तो सारे धागे को, जैसे मैंने पहले बताया, सामने की ओर लाकर करघे के सामने जो क्लॉथ बीम होती है उस पर कसकर बांध देते हैं। दूसरा इसका एसेंशियल पार्ट है हार्नेस। हार्नेस करघे में लगा एक फ्रेम होता है जिसमें असंख्य तार होते हैं और इन तारों को हम हेडल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हेडल्स कहते हैं, और प्रत्येक हेडल्स के ठीक बीच में, मध्य में एक आंख के समान छिद्र होता है, इस छिद्र से ताने का धागा गुजरता है। हार्नेस करघे का महत्वपूर्ण भाग होता है जो ताने की गति को ऊपर और नीचे की तरफ नियंत्रित करता है, जिससे
वस्त्र में हम अपनी इच्छा अनुसार नमूने जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब इसका तीसरा जो पार्ट होता है लूम का, तीसरा पार्ट होता है शटल। शटल क्या होता है? बॉबिन के समान रचना होती है, जैसे आप सिलाई मशीन यदि आप देखे होंगे तो उसमें बॉबिन होता है, बॉबिन में हम धागा भर के बॉबिन केस में डालते हैं, फिर उसको मशीन में लगाकर हम स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं। एक धागा बॉबिन से आता है और दूसरा जो है शटल निडल के पास ऊपर से आता है, ठीक उसी तरह से इसमें भी होता है। यह ताने के धागों के मध्य बाने के धागों को भरने का कार्य करती है। शटल क्या करती है? ताने के धागों के बीच बाने के धागों को भरने का कार्य करती है। जिस प्रकार मशीन में मैंने बताया अभी बॉबिन में धागा भरकर उसे हम बॉबिन कवर में भरकर मशीन में लगाते हैं, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी बॉबिन में धागा भरकर उसे हम शटल में लगाते हैं और ये शटल दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर गति करती है और इसके लगातार गति करने से वस्त्र की पंक्तियां बाने के धागों से भरती चली जाती है और यह क्रिया जो होती है पिक कहलाती है। क्या कहलाती है? यह क्रिया धागे भरने की जो शटल के द्वारा जो क्रिया होती है वो क्रिया पिक कहलाती है। चौथा जो एसेंशियल पार्ट है लूम का वो है रीड। यह एक फ्रेम होती है जो ठीक करघे के सामने की ओर स्थित होती है और इसकी रचना दांतेदार कंघी के समान होती है। जैसे हमारी कोम्ब होती है कंघी, ठीक उसी तरह से रीड की रचना होती है। रीड करघे में हार्नेस के समानांतर होती है, मतलब ठीक जहां हार्नेस लगा होता है उसके सामने की तरफ ही उसके समानांतर रूप में रीड होती है। शटल द्वारा जब एक पंक्ति बुन ली जाती है तब रीड आगे की ओर गति करके बनी हुई पंक्ति को ठोक देती है, मतलब वो उसको पहली वाली पंक्ति के करीब लाने का काम करती है जिससे वह पंक्ति ठीक से बैठ जाए और इस तरह से प्रत्येक बुनी हुई पंक्ति तैयार वस्त्र का एक भाग या हिस्सा बनती चली जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि हैंडलूम के कौन कौन से एसेंशियल पार्ट होते हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं। इस स्लाइड में जो चित्र दिखाया गया है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लूम का ही दिखाया गया है। इसमें देखिए लूम की रचना बताई गई है, पीछे की तरफ बैक बीम दिखाया गया है, फ्रंट की तरफ उसमें क्लॉथ बीम दिखाया गया है, इन दोनों के बीच सामने की तरफ शेड है, देखिए जहाँ पे वाद के बीच में जगह बनती है और वहां से वेफ्ट का धागा भरते हैं। हेडल्स दिखाए गए हैं ऊपर जो हार्नेस में स्थित होते हैं, आग के समान रचना जहां से ताने का धागा निकल कर आता है, और रीड दिखाई गई है जिसका काम होता है वेफ्ट की हर पंक्ति जब बुनी जाती है उसके बाद उसे ठोक कर एक दूसरे के पास लाना। तो इस तरह से लूम के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि अपना काम बखूबी करते हैं और उनके इस कार्य करने से वस्त्र की बुनाई जो है बहुत अच्छी तरह से संपन्न होती है। अब करघे की क्रिया, ऑपरेशन ऑफ लूम, लूम कैसे कार्य करता है? तो सबसे पहले हार्नेस के अंतर्गत निश्चित संख्या में ताने के धागे व्यवस्थित किए जाते हैं। निश्चित संख्या में मतलब जितनी लेंथ का हमें फैब्रिक चाहिए उतनी लंबाई का उतनी चौड़ाई में ताने के धागे को हम व्यवस्थित करते हैं और एक शेड या एक रास्ता तैयार करते हैं जिससे शटल जो है वो गुजर सके। जब शटल शेड के आगे और पीछे से गुजरती है बाने के धागे को लेकर, तब ताने के धागे में भराई का काम होता है। ठीक है, तो शटल का क्या होता है? ताने के द्वारा ये जो शेड तैयार होता है उस शेड के बीच से गुजरना और बाने के धागों की उस पे भराई करना, ये दूसरी तरह से दूसरा जो वर्क करती है, इसका जो ऑपरेशन होता है वो होता है। तीसरा जो आपको बताया गया है वो है रीड की सहायता से धागे को पीछे की ओर धकेला जाता है और पहले वाले धागे के आगे व्यवस्थित किया जाता है। इससे वस्त्र की बुनाई घनी होती है, ठीक है, सघन बुनाई होती जाती है। ताने का धागा ताने की बीम से छोड़ा जाता है जो कि करघे के पीछे की तरफ स्थित होती है और तैयार वस्त्र को करघे के सामने क्लॉथ बीम पर लपेट लिया जाता है। तो ये है करघे की क्रिया या ऑपरेशन ऑफ लूम, जिसमें आपने देखा कि हार्नेस में सबसे पहले हमने ताने के धागे को अरेंज किया, कपड़े की जितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए उसके अनुसार उससे एक शेड तैयार कर लिया जिससे कि शटल उसमें से निकल सके।
जब शटल इस शेड के आगे और पीछे से गुजरती है तब ताने के जो धागा होता है उसमें बाने का धागा भरता जाता है, और जैसे जैसे ये भरते जाता है रीड का काम ये होता है इसकी हर पंक्ति को ठोक कर एक दूसरे के पास ये अच्छी तरह से व्यवस्थित करती है, जिससे बुनाई जो है सघन हो जाती है और इस तरह से कपड़ा जो है वो तैयार होता चला जाता है, और उसे फिर हम आगे वाला जो क्लॉथ बीम है वहां पर जाकर वो लिपटता जाता है। तो इस तरह से पूरी करघे की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। बुनाई प्रक्रिया के जो विभिन्न चरण होते हैं इसमें करघे पर दो समकोण दिशाओं में ऊपर नीचे और दाएं बाएं दो धागे होते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए बुनाई करते समय मुख्य रूप से चार प्रक्रिया या चार क्रियाएं होती हैं, जो जैसे शेडिंग है, पिकिंग है, बीटनिंग है और टेकिंग अप और टेकिंग ऑफ। ठीक है, तो ये चार जो चरण होते हैं, इसके चरण बुनाई प्रक्रिया के ये चार चरण होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ वीविंग प्रोसेस। इसको हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। जैसे ये देखिए इसमें दिखाया गया है शेडिंग की प्रोसेस हो रही है, जिसमें यार्न के द्वारा शेडिंग तैयार एक वो तैयार किया जाता है, रास्ता तैयार किया जाता है जिससे कि शटल वहां से निकल रही है। दूसरा पिकिंग की प्रोसेस होती है, पिकिंग में शटल को निकलते हुए उसके उसमें से दिखाया गया फिलिंग का काम कर रही है, और बीटनिंग में जो रीड होती है वो आगे की तरफ आकर उस धागे जो वेफ्ट का धागा भरा जाता है उसको ठोक कर एक दूसरे के पास लाने का कार्य करती है। तो इस तरह से जो लूम होता है वो क्रिया करता है। ये देखिए इसमें शटल दिखाई गई है, जैसे कि अंदर की तरफ जो है वो एक तरह से इसमें बॉबिन है, धागा भर के उसको शटल में लगाया जाता है, और यही शटल जो होती है वो वेफ्ट यान को लेकर वार्प यान के आगे से और पीछे से निकलती है और वेफ्ट यान की भराई का काम करती है, जिससे कि फैब्रिक बनकर तैयार होता है। शेडिंग की प्रोसेस क्या होती है, इसमें हार्नेस द्वारा ताने के धागे को ऊपर नीचे करना शेडिंग कहलाता है। जो हार्नेस जिससे में कि ताने के धागे जिसके सहारे होते हैं, जिसमें लगे होते हैं, उसका काम क्या होता है, हार्नेस के द्वारा ताने के धागे को ऊपर नीचे करना शेडिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में ताने के कुछ धागे ऊपर तो कुछ धागे नीचे रह जाते हैं, इससे बीच में एक मार्ग सा या एक रास्ता सा बन जाता है जहां से शटल एक ओर से दूसरी ओर जाती है। यही मार्ग या रास्ता शेड कहलाता है, और यह क्रिया जो होती है वो शेडिंग कहलाती है। दूसरा है पिकिंग। शेड बनने के बाद शटल का धागा एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, एक बार धागे की भराई को पिक कहते हैं, और ये क्रिया जो होती है पिकिंग कहलाती है। ठीक है, शेड बन जाता है जब, उसके बाद क्या होता है, शटल का धागा एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, फिर दूसरे से फिर इस तरफ आता है, तो इस प्रकार धागे की जो भराई होती है उसे हम पिक कहते हैं, और ये प्रोसेस जो होती है वो पिकिंग कहलाती है। फिर है पीटना या ठोकना, बीटिंग अप। रीड का काम पिकिंग की क्रिया के बाद बाने के धागों को पीटने का या ठोकने का होता है, और यह क्रिया जो होती है बीटनिंग कहलाती है। जब शटल जो होती है वो पिकिंग का कार्य कर लेती है, एक बार आगे से एक बार पीछे से वार्प के निकल के आके धागे की भराई का काम करती है, उसके बाद जो रीड का काम होता है वो होता है इस धागे को ठोक कर पीट कर पास पास लाना, जिससे वस्त्र की बुनाई जो होती है सघन होती है, और ये जो क्रिया होती है वो पूरी बीटनिंग प्रोसेस कहलाती है। नेक्स्ट होती है लपेटना या छोड़ना, टेकअप मोशन एंड लेट ऑफ मोशन, मतलब बुनाई के दौरान होने वाली ये अंतिम क्रिया होती है। ठीक है, लपेटने की और छोड़ने की जो ये अंतिम प्रोसेस होती है, इसमें एक पंक्ति के बन जाने के पर उसे ठोक कर बिठाया जाता है। ठीक है, जब एक पंक्ति बन जाती है तो रीड जो होती है उसे ठोक कर बिठा देती है, तब वार्प बीम जो होता है थोड़ा सा घूमकर धागों को ढीला छोड़ता है, तभी इस क्रिया के साथ साथ तैयार वस्त्र जो होता है वो क्लॉथ बीम पर लपेट लिया जाता है। दोनों बीमों पर यह क्रिया है, मतलब वार्प बीम से धागा छोड़ने की क्रिया और क्लॉथ बीम पर धागा लपेटने की क्रिया, ये दोनों क्रियाएं जो होती है साथ साथ होती है, इतनी अच्छी तरह से होती है, इतनी कुशलता और शीघ्रता से होती है कि पता ही नहीं चलता कि ताने के धागे ढीले छूटे, वो उसी तरह से तने हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इन चार चरणों में वस्त्र बुनाई की प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की बुनाई। ठीक है, अब बुनाई की प्रक्रिया कैसी होती करघे में लूम में ये तो हमने देखी, लेकिन डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी वीव्स होती है, बुनाई होती है, उसके बारे में देखते हैं। बुनाई वस्त्र निर्माण की प्रमुख विधि है। हैंडलूम और पावर लूम के उपयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण होता है।
वस्त्र की पूरी लंबाई में फैले हुआ धागा ताना और जो आड़े में रूप में होता है डाला गया धागा होता है वो बाना। तो इस तरह से वार्प और वेफ्ट ये कहलाते हैं और इन्हीं दोनों धागों के सिरे एंड्स और पिक्स कहलाते हैं, इन्हें हम एंड्स और पिक्स भी कहते हैं। बुनाई में वस्त्र का टिकाऊपन कुछ बातों पर निर्भर करता है, मतलब कोई भी फैब्रिक जो बनकर तैयार हुआ है बुनाई के बाद वो कितना ड्यूरेबल है, कितना टिकाऊ है, ये बातें जो होती हैं कुछ चीजों पर निर्भर करती हैं और वो है तंतु का प्रकार और किस्म, मतलब किस प्रकार के तंतु का हमने उपयोग किया है, जो धागा हमने उपयोग में लाया है उसके तनाव सामर्थ्य कितना है, मतलब वो तनाव सहने की शक्ति उसकी कितनी है, धागे में ट्विस्टिंग कितनी मात्रा में की गई है, उसको कितना ऐठन दिया गया है, धागे का प्रकार कौन सा है, मतलब वो सिंगल यान है, डबल यान है, मल्टीपल यान है, किस टाइप का यान है, धागा कैसा है ये, और बुनाई की सघनता, मतलब कितनी सघन बुनाई जो है उस वस्त्र की गई है। तो ये चार पांच जो बात है, इन बातों पर किसी भी वस्त्र का टिकाऊ होना, मतलब वो कितना ड्यूरेबल है, इस बात पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में कई प्रकार की बुनाई का प्रयोग होता है जो कि निम्नलिखित है, इसमें जो दिखाई जा रही है आपको स्लाइड में, सादी बुनाई, पेन वीव, तैरने वाली बुनाई या फ्लोटिंग वीव, फ्लोट करती जो वस्त्र की सतह पर तैरती हुई दिखाई देती है, पाइल वीव, जैकॉर्ड वीव और लेनो वीव। तो ये पांच प्रकार की मुख्य बुनाइयां होती हैं और इसके भी फिर अन्य बुनाई के प्रकार और होते हैं जिसको हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए ये सादी बुनाई, फ्लोटिंग तैरने वाली बुनाई और पाइल बुनाई, ये तीनों के और भी प्रकार होते हैं। सादी बुनाई से हम टैबी वीव या सादी बुनाई, रिब बुनाई, बास्केट बुनाई, ये तीन जो है सादी बुनाई के वेरिएशंस होते हैं। तैरने वाली बुनाई जो होते हैं, फ्लोटिंग वीव जो होते हैं उसके अंतर्गत क्विल वीव, सटिन व साटिन वीव, हकाबैक, हनीकॉम, बर्ड्स आई, क्रैप, कॉर्ड्रा, ये बहुत सारी वीव्स होती हैं जो कि फ्लोटिंग वीव के अंतर्गत, तैरने वाली बुनाई के अंतर्गत आती हैं। और फिर पाइल वीव जो होती है उसके अंतर्गत भी तीन तरह की पाइल वीव होती है, कट पाइल, कटी हुई पाइल, बिना कटी पाइल, अनकट पाइल और लूप पाइल या फिर टेरी पाइल। तो ये सारी बुनाई की विधियां होती हैं। अब आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह से बुनाई की जाती है। तो सादी बुनाई जो है यह बुनाई का सीधा साधारण व सस्ता तरीका है, इसमें केवल दो हार्नेस की आवश्यकता होती है, इसमें केवल ताने और बाने दो धागे का उपयोग करते हैं और ये दोनों धागे मिलकर सादी बुनाई का निर्माण करते हैं। इसमें एक धागा ऊपर को उठता है, जो ऊपर होता है वो फिर नीचे आता है, फिर जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, इस तरह से वन अप एंड वन डाउन, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ये पूरी बुनाई जो होती संपन्न होती है। सादी बुनाई में विभिन्नता व नवीनता लाने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं जिसमें इसमें वेरिएशन आ सके। इसके लिए हम ताने के धागे में जो दूरी होती, डिस्टेंस होती, उसको बढ़ा सकते हैं, प्रति वर्ग इंच ताने बाने की संख्या में अंतर कर सकते हैं, या तो फिर इनके रंग व्यास संगठन में अंतर कर सकते हैं, या तो फिर हम बाने के धागे को अधिक ठोक कर या कम ठोक कर, मतलब उसमें घनी या कम घनी बुनाई के रूप में, यदि इस तरह के हम वेरिएशन करते हैं तो सादी बुनाई में बहुत सी विभिन्नता व नवीनता लाई जा सकती है। दूसरी जो बुनाई होती है वो है रिब बुनाई, यह सादी बुनाई का ही एक प्रकार है। इस बुनाई में ताने अथवा बाने के उत्तम किस्म के सूत्रों का उपयोग किया जाता है और ये करीब करीब छह प्रकार की होती है, वार्प रिब, वेफ्ट रिब, मैट रिब, चेक रिब, स्ट्राइप रिब और एक है फैंसी रिब। तो इस तरह से ये छह प्रकार की रिब बुनाई होती है। वार्प रिब, जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, तानेदार रिब, इसमें ताने का धागा वस्त्र की सतह पर मुख्य रूप से दिखाई देता है, इसलिए हमेशा इस बुनाई में ताने का धागा हम अच्छे किस्म का लेते हैं और बाने का धागा थोड़े उससे लो क्वालिटी का लिया जाता है। इस तरह के वस्त्र जो होते हैं वो कम मजबूत होते हैं। दूसरी जो रिब बुनाई है वो है बानेदार रिब, वेफ्ट रिब। यह बुनाई तानेदार बुनाई के ठीक विपरीत होती है, ये वार्प रिब के ठीक विपरीत होती है। इसमें वेफ्ट के धागे वस्त्र की सतह पर अधिक दिखाई देते हैं और इससे साड़ी के किनारे, दरी और टॉवेल्स बनाए जाते हैं। तीसरी रिब जो है वो है मैट रिब।
इसमें ताने का धागा बारीक व बाने का धागा मोटा लिया जाता है। इससे एक विशेष प्रकार की धारियों से डिजाइन बनती है। चौथा है चौकड़ीदार रिब या चेक्ड रिब। इसमें ताने और बानों की संख्या एक प्रकार रखी जाती है, जिससे इसमें चेक का आकार उभर कर आता है और वस्त्र सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है फैंसी रिब। इसमें ताने व बाने के धागों की संख्या में वृद्धि करके उसके क्रम में, उसके सीक्वेंस में परिवर्तन किया जाता है, जिससे वस्त्र सुंदर दिखाई देते हैं। और सिक्स्थ है धारीदार रिब या स्ट्राइप रिब। इसमें चार हार्नेस का उपयोग करके बुनाई की जाती है। दो हार्नेस जो होते हैं तानेदार रिब और दो हार्नेस बानेदार रिब बनाते हैं। इससे बुनाई में भिन्नता या वेरिएशन देखने को मिलता है। इसमें देखिए आप नीचे स्लाइड में कुछ रिब्स की बुनाई के एग्जांपल्स दिखाए, चित्र दिखाए गए हैं। किसी में दो वार्प दो वेफ्ट, किसी में तीन वार्प तीन वेफ्ट, इस तरह से अलग अलग वार्प और वेफ्ट की संख्या बदलकर, उसके क्रम को बदलकर इसमें हमने वेरिएशन दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है तीसरी जो सादी बुनाई के अंतर्गत आती है, वो है बास्केट बुनाई, बास्केट वीव। यह भी सादी बुनाई का एक प्रकार है। इसमें थोड़ी बटाई वाले या बिना बटाई वाले, बटाई वाले मतलब जिसमें ट्विस्टिंग की मात्रा, ट्विस्ट की बैठन की मात्रा कम हो वैसे, या फिर बिना ट्विस्ट वाले जो यान होते हैं उनका उपयोग करते हैं। दो या दो से अधिक ताने व बाने के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दो बाय दो, तीन बाय तीन या चार बाय चार, मतलब दो बार दो वेफ्ट, तीन बार तीन वेफ्ट, इस तरह से जितना ताना होगा उतने ही बाने के धागे को लेकर हम इसको बास्केट बुनाई को तैयार करते हैं। और इसमें इन दोनों में संतुलन, ताने और बाने में संतुलन रखा जाता है। और इनकी संख्या के आधार पर ही, जैसे टू बाई टू है तो उसको दो सूती, तीन बाई तीन है तो तीन सूती, चार सूती, इस तरह से इसे नाम दिया जाता है। इसकी बुनाई थोड़ी ढीली होती है, ये दिखने में आकर्षक और सुंदर होते हैं और इनमें लटकनशीलता का, ड्रिपिंग क्वालिटी जो होती है इनमें पाई जाती है। नीचे आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है बास्केट वीव का एक एग्जांपल। अब दूसरी जो बुनाई का प्रकार है वो है तैरने वाली बुनाई या फ्लोटिंग वीव। इसके अंतर्गत जो सबसे पहले आता है वो है ट्विल बुनाई। यह बुनाई जो है वस्त्र की सतह पर तैरती हुई दिखाई देती है। इसमें तैयार वस्त्र के दोनों तरफ तिरछी रेखाएं दिखाई देती है। इस बुनाई से विभिन्न प्रकार की लहरदार डिजाइन जो होती है बनाई जाती है। ये बुनाई काफी मजबूत होती है और आकर्षक होती है। ट्विल बुनाई के कई प्रकार होते हैं, जैसे दिशा के आधार पर, मतलब डायरेक्शन के आधार पर, ये दो प्रकार की होती है, राइट साइड ट्विल और लेफ्ट साइड ट्विल। जब वस्त्र पर धारियां जो होती हैं ये दाहिनी ओर से शुरू होकर बाईं ओर खत्म होती है तब ये दाई ट्विल या राइट साइड ट्विल कहलाती है, और जब यही धारियां लेफ्ट से शुरू होकर राइट साइड पे खत्म होती है या बाएं से शुरू होकर दाएं साइड पे खत्म होती है तब ये बाई ट्विल या फिर लेफ्ट साइड ट्विल कहलाती है। दूसरा इसमें है सूत्रों की संख्या के आधार पर, मतलब यान और वार पर वेफ्ट आपने कितने लिए हैं। इवन ट्विल होगी जबकि ताने बाने की संख्या बराबर होगी, दो ताना दो बाना तब ये इवन ट्विल कहलाएगी। और अनइवन ट्विल या विषम ट्विल मतलब ताने बानों की संख्या में असमानता होना, एक बार दो वेफ्ट तीन या तीन बार, इस तरह से जबकि इनकी संख्या असमान होगी तब ये विषम ट्विल कहलाती है। तीसरा इसमें देखा जाता है ट्विल वीव में ताने व बाने के आधार पर, मतलब वस्त्र की सतह पर ताना अधिक दिख रहा है या फिर बाना अधिक दिख रहा है। तो जब वस्त्र की सतह पर, ऊपरी सतह पर ताने के धागे अधिक दिखाई देते हैं तब वह ताना मुखी या वार्प साइड ट्विल कहलाती है। और उसी प्रकार से जब वस्त्र की सतह पर बाने के धागे अधिक दिखाई देते हैं तब वह बाना मुखी ट्विल या वेफ्ट साइड ट्विल कहलाती है। हार्नेस की संख्या के आधार पर भी हम ट्विल को जानते हैं। सामान्यतः तीन या चार हार्नेस वाले ट्विल का अधिक उपयोग किया जाता है। कई बार हार्नेस के स्थान पर शाफ्ट शब्द का प्रयोग भी हम करते हैं और इसीलिए तीन शाफ्ट या चार शाफ्ट वाली ट्विल बुनाई जैसे शब्दों का प्रयोग हमको देखने या सुनने को मिलता है। तीन शाफ्ट वाली जो ट्विल बुनाई होती है उसमें दो बाने के सूत्र के ऊपर से एक ताने के सूत्र को गुजारा जाता है, अतः इसे 1/2 के रूप में दर्शाया जाता है। और चार शाफ्ट में यह अनुपात जो होता है 1/3 का होता है। अब इसके अलावा एक और है अन्य ट्विल, अदर जो ट्विल्स होते हैं उसके भी कुछ प्रकार हैं, जैसे ब्रोकन ट्विल, हेरिंग बोन ट्विल, जिगजैग ट्विल और गैबरडीन ट्विल। तो इस तरह से ट्विल बुनाई को हम तीन या चार, चार पांच प्रकार से हम इसको बनाते हैं या पहचानते हैं। अदा ट्विल बुनाई की यह विशेषता होती है कि इससे बने वस्त्र पर नमूना स्वतः ही अपने आप ही बन जाता है, जिससे वस्त्र का सीधा व उल्टा भाग
आसानी से समझ में आता है। इस बुनाई से बने हुए वस्त्र सुंदर और आकर्षक होते हैं और इस बुनाई से बने वस्त्रों को कुछ विशेष नाम दिए जाते हैं, जैसे सूती वस्त्र यदि हमने कॉटन फैब्रिक पर बनाया है 12 बीट तो ये फलालेन, जीन, डेनिम, गैबर्डिन, लिनन के लिए यूज किए जाते हैं। ऊनी वस्त्र इसमें गैबर्डिन, सर्च, फलालेन, वर्स्टेड, कश्मीरा, ट्वीट और कॉर्ड, और रेशमी वस्त्र में यदि हमने 12 बीट करके उसको बनाया है तो सर्च और सुरा। तो नीचे आप देखिए इसमें कुछ वीव्स की डिजाइन बताई गई है 12 बीट की, जैसे कि ब्लैक वाले डिजाइन में आप देख रहे हैं राइट से शुरू होके लेफ्ट में आ रहा है तो राइट साइड ट्विल होगा, लेफ्ट साइड ट्विल होगा, जिस डायरेक्शन से वो शुरू होता है। तो रेड वाले वीव में जैसे आप देख रहे हैं ये सारी वीव से धारियां जो शुरू हो रही है आपकी लेफ्ट से शुरू होके राइट में खत्म हो रही है तो ये लेफ्ट साइड ट्विल कहलाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो होती है इसमें बार पर वेफ्ट की संख्या आप देखिए रेड वाले ट्विल में अलग से दिख रही है ना, दो तीन जो है वो यान है और एक जो है वो व्हाइट वाला जो है वो अलग से जो है वार्प दिख रहा है, तीन वेफ्ट है। तो इस तरह से ये भी अनइवन ट्विल में आएगी, तो इस तरह से इसके अलग अलग वेरिएशन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो बुनाई होती है इसी के अंतर्गत फ्लोटिंग वीव के अंतर्गत तैरने वाली बुनाई में वो है सैटिन और साटीन। वास्तव में यह ट्विल बुनाई के समान ही होती है, अंतर केवल शाफ्ट की संख्या में होता है। ट्विल में 3 से 4 शाफ्ट वाली होती है और जब इसमें जो होते 5 से 12 शाफ्ट वाली ये बुनाई होती है, हार्नेस उतना यूज होता है। इस बुनाई से बने वस्त्र की सतह चिकनी, चमकदार और सपाट होती है और ताने बानों के धागों में बहुत अधिक अंतराल इसमें देखने को मिलता है। ये दो प्रकार की होती है, तानामुखी या सैटिन। तानामुखी जैसे आप नाम ही से समझ सकते हैं, सैटिन बुनाई से बना वस्त्र जो होता है वो सैटिन कहलाता है और ये तानामुखी होता है इसलिए ताने के धागे इसमें वस्त्र की सतह पर अधिक दिखाई देते हैं। दूसरा है बानामुखी या साटिन वीव। साटिन वीव जो है सटिन का ठीक उल्टा होता है। इस बुनाई में बाने के सूत्र जो होते हैं वस्त्र की सतह पर अधिक दिखाई देते हैं। इसमें बाने का धागा ताने के 4-5 या इससे अधिक धागों के ऊपर से और एक धागे के नीचे से गुजरता है। इसमें फ्लोटिंग सूत्र जो होते हैं, तैरते हुए जो सूत्र होते हैं वो बाने के होते हैं और चमक भी जो होती है वो बाने की दिशा में होती है। तीसरी जो फ्लोटिंग वीव है तैरने वाली बुनाई के अंतर्गत तीसरी बुनाई है वो है हका बैग बुनाई। यह बुनाई सादी व रिब बुनाई का मिला जुला रूप है। यह बुनाई तानामुखी होती है, वस्त्र की सतह पर ताने के सूत्र तैरते हुए दिखाई देते हैं। चौथी बुनाई है हनीकॉम बुनाई, हनीकॉम वीव। इस बुनाई में तैरते हुए सूत्रों से जो तैरते हुए धागे होते हैं उनसे कोशों की रचना, सेल की जैसी एक रचना तैयार होती है जो कि किनारे पर बनती है और इस बुनाई में वस्त्र के दोनों ओर ताने और बाने के धागे तैरते दिखाई देते हैं और इस बुनाई का प्रयोग मुख्य रूप से हम टॉवल्स बनाने में करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सैटिन और साटिन वीव दिखाया गया है इस स्लाइड में। सैटिन वीव में जिसमें आप रेड और ब्लू स्ट्राइप्स देख रहे हैं तो रेड स्ट्राइप्स जो है वो वार्प थ्रेड है क्योंकि लंबाई में है और ब्लू जो है वो वेफ थ्रेड है, तो वार्प थ्रेड जो है इसमें हमें सतह पर तैरते हुए ज्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से साटिन वीव जो आप देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर का जो है वो वेफ्ट है और जो ग्रे कलर का है वो वार्प यान है, तो इसमें वेफ्ट यान जो है वो सतह पर आपको अधिक दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये पिक्चर्स हैं जिनको देखकर आप समझ सकते हैं कि बुनाई में किस तरह से वार्प और वेफ्ट के धागों में वेरिएशन करके अलग अलग प्रकार की बुनाइयां बनाई जाती हैं। अब हम इसी में फ्लोटिंग वीव में ही आगे जो पांचवा प्रकार है वो है डॉबी या बर्ड्स आई बुनाई। यह बुनाई डॉबी नामक मशीनी उपकरण पर सादे करघे पर जो प्लेन लूम होता है उस पर ज्योमेट्रिक डिजाइन के रूप में इसे तैयार किया जाता है। इसमें बाने के धागे वस्त्र की सतह पर तैरते हैं, वेफ्ट यान जो है वस्त्र की सरफेस पर दिखाई देते हैं और छोटे छोटे डायमंड की आकृति बनाते हैं। इस बुनाई का उपयोग अधिकतर शर्ट और टाई के डिजाइन बनाने के लिए किए जाते हैं और इसमें 20-40 हार्नेस की आवश्यकता होती है। इस बुनाई की सबसे प्रसिद्ध डिजाइन जो होती है वो बर्ड्स आई डिजाइन होती है। नेक्स्ट जो है वो है क्रेप बुनाई, क्रेप वीव। क्रेप एक फ्रेंच शब्द होता है और इसका अर्थ होता है झुर्रीदार। यह बुनाई अत्यधिक ऐठन वाले धागे से की जाती है जिसमें ट्विस्ट की मात्रा बहुत अधिक होती है। इससे वस्त्र की सतह जो होती है वो खुरदुरी और झुर्रीदार बन जाती है। यह बुनाई सादी व सटिन बुनाई का ही एक भिन्न रूप है या फिर कभी कभी इन दोनों का मिश्रण भी होता है। क्रेप फैब्रिक्स जो होते हैं या क्रेप बुनाई मुख्य रूप से सूती, ऊनी, रेशमी और कृत्रिम रेशों पर किया जाता है। ये देखिए आप इस स्लाइड में आपको क्रेप वीव दिखाई गई है और एक साइड पे बर्ड्स आई दिखाई गई है। वीव किस तरह से दिखते हैं इन दोनों को देखकर
क्रेप से बने वस्त्र तो थोड़े से जालीदार होते हैं, इनके बीच में वीविंग थोड़ी सी ढीली होती है, और बर्ड्स आई में आप देख रहे हैं एक स्पेशल डायमंड शेप की एक रचना जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट फ्लोटिंग वीव जो होती तैरती हुई बुनाई वो होती कॉर्ड्राय बुनाई। इसमें वस्त्र की सतह सादी बुनाई से तैयार होती है और इसके बाद इनके ऊपर पाइल बने, पाइल जो होते हैं बाने के सूत्रों को एक दो या तीन धागे के सूत्रों से गूंथा जाता है। यही प्रक्रिया दोहराते हैं। वस्त्र बन जाने पर तैरते हुए बाने के धागों को बीच में से काट दिया जाता है, फिर परिसज्जा की जाती है। तो इस तरह से एक कॉर्ड्राय जो इफेक्ट होता है वो फैब्रिक के टेक्सचर पर, सतह पर हमको ये टेक्सचर देखने को मिलता है। इस बुनाई को सूट, खेलने के वस्त्र, ड्रेपरी, चादरें और अपहोस्ट्रीज के जो वस्त्र होते हैं उनमें उपयोग में मुख्य रूप से लाया जाता है। नेक्स्ट जो वीव होती है फ्लोटिंग वीव के अंतर्गत वो है वेल्वेटीन वीव। यह कॉर्ड्राय बुनाई की तरह ही होती है। इसमें वस्त्र की सदा सादी ट्विल या सटिन बुनाई से बनाई जाती है। इसमें पाइल के सूत्र सतह पर एक समान रूप से नहीं तैरते बल्कि बिखरे हुए रूप में होते हैं। ये वस्त्र जब करघे से निकलते हैं तब चपटी आकृति के होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इन तैरते हुए पाइल सूत्रों को मशीन की सहायता से काटा जाता है और इस तरह रोए पूरी सतह पर फैल जाते हैं और एक वेल्वेट का इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। ये देखिए कॉर्ड्राय बुनाई से बने वस्त्र ऊपर दिखाए गए और नीचे की तरफ वेल्वेट बुनाई से बने हुए फैब्रिक जो है उनको दिखाया गया है कि इनकी सरफेस जो होती है वो दिखने में कैसी होती है। नेक्स्ट है आप रोईदार बुनाई या पाइल वीव। ताने व बाने के अतिरिक्त पाइल बुनाई में धागे का एक तीसरा सेट भी उपयोग होता है। अभी तक हमने देखा था वार्प और वेफ्ट दो तरह के धागों का सेट उपयोग में ला रहे थे, लेकिन पाइल बुनाई के लिए, पाइल वीव के लिए ताने और बाने के अलावा एक तीसरा धागे का सेट भी उपयोग में लिया जाता है जो ऊपर उठे हुए होते हैं। पाइल या लूप को ताने के धागे से बनाया जाता है और यह पाइल कटे या बिना कटे रूप में होती है। पाइल बुनाई जो है तीन प्रकार की होती है, कट पाइल, अनकट पाइल और टेरी पाइल या लूप पाइल जिसे हम कहते हैं। तो कटी हुई पाइल जो होती कट पाइल, इस प्रकार की पाइल में दो वस्त्र, ठीक है, इस प्रकार की जो पाइल बुनाई होती है उसमें दो वस्त्र आमने सामने से जोड़कर बनाए जाते हैं जिसमें लूप के रूप में ताने का धागा दोनों वस्त्रों से जुड़ा रहता है। जब वस्त्रों की बुनाई हो जाती है तो छुरी से, तेज छुरी से इस जुड़े हुए भाग को काट दिया जाता है जिससे दोनों सतहों पर पाइल जो होते हैं वो निर्मित हो जाते हैं जैसे कि वेल्वेट का टेक्सचर होता है। दूसरी जो पाइल वीव होती है वो अनकट पाइल या बिना कटी हुई पाइल होती है। यदि इन लूप्स को हम बिना काटे छोड़ दें या रख दें तो यह अनकट पाइल कहलाती है। इसमें सादे तारों का उपयोग किया जाता है और जब तार निकाल दिया जाता है उस जगह से, वीविंग की जगह से, बुनाई की जगह से, तो ये लूप के रूप में तैयार हो जाते हैं, लूप बन जाते हैं और इस तरह से इनको हम बिना काटे ही छोड़ देते हैं तो ये अनकट पाइल कहलाते हैं। तीसरी जो पाइल की जो मेथड होती है, तीसरा प्रकार जो होता है वह है लूप या टेरी पाइल। इसमें ताने के लूप को बिना तारों की सहायता के उठाया जाता है जैसे कि टर्किश टॉवल वगैरह में होता है। जब वस्त्र बुना जाता है तब कुछ बाने के धागों को उठा हुआ रहने दिया जाता है। बिना कटे पाइल वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं किंतु वे नर्म व गर्म नहीं होते, ठीक है। जो बिना कटे पाइल होते हैं, अनकट पाइल होते हैं, इससे बने हुए फैब्रिक जो होते हैं टिकाऊ होते हैं लेकिन ये गर्म और नर्म नहीं होते। और कटे पाइल, जो कट पाइल वाले फैब्रिक्स होते हैं, ये जल्दी गंदे हो जाते हैं और इनको ड्राई वॉश की आवश्यकता होती है। ये देखिए पाइल वीव का एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया। एक साइड अनकट पाइल है, दूसरी साइड कट पाइल है। अनकट पाइल में जो लूप तैयार हुए उन्हें बिना काटे हुए छोड़ दिया गया है और कट पाइल में इन लूप्स को बीच से काट दिया गया है तो ये कट पाइल में परिवर्तित हो जाते हैं। पाइल वीव का एक एग्जांपल ये भी है। फैब्रिक देखिए नीचे की तरफ अलग अलग अनकट पाइल और कट पाइल के दिख रहे हैं। जो पाइल वीव तैयार होती है वो कुछ ऊपर दिखाए गए चित्र के हिसाब से होती है। ऊपर वार्प यार्न है, नीचे वेफ्ट यार्न है, इन दोनों के बीच में पाइल तैयार है, लूप एक तैयार है। यही लूप जो होता है इसको जब हम काटते हैं तो ये कट पाइल में बदलता है और जब इसे छोड़ देते तो ये अनकट पाइल वीव कहलाता है, ठीक है। आगे अब जो नेक्स्ट बुनाई है, चौथी बुनाई का प्रकार है, वो है जेकॉर्ड बुनाई, जेकॉर्ड वीव। यह सबसे कठिन व जटिल बुनाई है जो जेकॉर्ड करघे पर की जाती है। इस करघे का आविष्कार 1801 में फ्रांसीसी व्यक्ति जोसेफ मेरी जेकॉर्ड ने किया और उन्हीं के नाम पर इस
लूम का नाम जेकॉर्ड लूम रखा गया, या इसका जेकॉर्ड लूम के साथ साथ जेकॉर्ड वीव भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। यह करघा जो होता है महंगा होता है। जेकॉर्ड बुनाई करते समय सबसे पहले जेकॉर्ड डिजाइन को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लिया जाता है, अंकित किया जाता है। डिजाइन के अनुसार जेकॉर्ड कार्ड को पंच करके कार्ड करघे के ऊपर रखा जाता है और यह कार्ड गति करते हैं और करघे के ऊपर चढ़ी हुई सुइयों की श्रृंखला के ऊपर से निकलते हैं। ये प्रत्येक सुई जो होती है तार द्वारा नियंत्रित होती है। ये हैडल सुई के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ये तार या ये जो हैडल्स होते हैं वो निडल के साथ जुड़े होते हैं और इन सुइयों के कारण ही हैडल जो होता है ऊपर नीचे होता है और इस तरह से इसमें बुनाई की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। इसके द्वारा ब्रोकेड, टेपेस्ट्री, दमास और अपहोस्ट्री के जितने भी फैब्रिक्स हैं वो जेकॉर्ड वीव के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये देखिए जेकॉर्ड वीव का इस स्लाइड में कुछ नमूना दिखाया गया, इसकी वीविंग किस प्रकार की होती है और इससे किस तरह कितनी सुंदर साड़ी जो होती है जेकॉर्ड वीव से तैयार की गई है। अब नेक्स्ट वीव जो होती है वो है लेनो या गॉज वीव। ये बुनाई लेस का प्रभाव उत्पन्न करती है। इसका आकार अंग्रेजी के अंक 8 के समान होता है। यह प्रभाव या इफेक्ट जो होता है लेनो यंत्र होता है, एक उपकरण होता है उसके द्वारा लाया जाता है, इसलिए इसे हम लेनो वीव कहते हैं। इस बुनाई से बने वस्त्र हल्के, जालीदार और टिकाऊ होते हैं। इससे खासकर मच्छरदानी वगैरह जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। इस स्लाइड में आप नीचे की तरफ देखिए, इसमें चित्र दिखाया गया, लेनो वीव बीच में है जो अंग्रेजी के 8 अक्षर के समान दिखाया गया है। उससे बना हुआ जो फैब्रिक आसपास है वो जालीदार दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद। आज के इस लेक्चर में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि फैब्रिक कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की कितनी मेथड्स होती हैं, कितने प्रकार के वीव्स होते हैं, तो इनके अनुसार हम फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर को तैयार करने में मैंने काफी मेहनत की है और कोशिश की है कि मैं अधिक से अधिक सही तरीके से पूरी जानकारी फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको दे सकूं। यदि आपको कुछ सुझाव देना है या ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ छूट गया या आपको लेक्चर कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।